दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो भी कुछ अभी हालात के अंदर अपना जीवन गुजार रहे हो और उसके सामने स्टॉक मार्केट की साथ में अपडेट देता हूँ, तो ये दोनों को कॉम्बो करके ये ज्ञानदीप माइंड पावर जो है ना आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहा है कि देश तरक्की कर रहा है, देश आपके सामने खर्च भी कर रहा है। हर साल जो होता है यहाँ पर फार्मा सेक्टर जो है ना, जितने भी अस्पताल गरीबों के लिए बनाई जा रही है, समझ लो अर्बन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जितना बजट पास किया जा रहा है, समझ लो कि हमारे भारत की कुछ जनता है जिनके पास पैसे के इनकम के रिसोर्सेज बहुत कम है, जिनके लिए सेवा अध्ययन मोदी जी ने शुरू किया है। लेकिन ये एक होता है प्रथम चरण। तो सिक्के की दो तरफ होती है, एक तरफ नहीं होती है। इस चीज को लेकर जब बड़ी बड़ी कंपनियां बोलो, या वर्ल्ड बैंक बोलो, या मिनिस्ट्री बोलो, या जो भी कुछ बोलो, या इन्वेस्टर बोलो बड़े बड़े, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है इन चीज़ों पर, मतलब कि आपके इस लड़की के हाथ के, इस लड़की के मुंह पर जो मास्क डाला गया है, ये जो प्लास्टिक की लाइन है, या जो भी कुछ खर्च किया गया है, या पूरे हॉस्पिटल का खर्चा है, तो ये सब खर्च का पैसा आता कहाँ से और इसका मैनिपुलेशन कैसे होता है, उस पर पूरी वीडियो बनाता हूँ। स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ही अपडेट है, एजुकेशन पर्पज़ वीडियो समझ के इसे देखिए, बराबर। तो हर चीज़ों की एक सीजन होती है, जैसे दिवाली आना फटाके बिक्री होना, उत्तरायण आना पतंग की बिक्री होना, होली आना रंगों की बिक्री होना, स्वेटर पहनते ठंडी में, तो हर सीजनेबल तरह की यहाँ पे पूरी की पूरी सुविधाएं मार्केट में आपको डिमांड सप्लाई जोन में देखने मिलेगी, बराबर। तो डिमांड सप्लाई जोन जो होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पर जब इस तरह से कोई नई न्यूज़ आती है, जैसे मैंने आपको अभी एक न्यूज़ बताई, बराबर, तो उस न्यूज़ के अंदर क्या लिखा है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लिखा है कि चाइना के अंदर जो केसेस हुए हैं, तो वहाँ से यहाँ पर भारत के अंदर भी कुछ बीमारियाँ आ गई है, मतलब कोरोना का सिर्फ आपको उल्टा करना है बस। मैं इसके आगे नहीं बोलूँगा, कोरोना लिखिए और कोरोना के जो लास्ट अक्षर उसको पहले लिखिए, बीच में बीच वाले साइड को लिखिए और लास्ट वाले लास्ट में लिखिए, मतलब कि उस वर्ड्स का पूरा उल्टा करोगे तो आपको उसका मीनिंग पता चलेगा, मतलब कि हर वर्ड्स जो पैदा किए गए वो एक न एक तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने मिलेगी, मतलब ये सारा का सारा पूरा जो सिमुलेशन थियोरी है यहाँ पर, जो यूनिवर्स से जुड़ा है, यहाँ पर मैं किसी की टीका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिमुलेशन थियोरी का मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड के अंदर चीजें ऊपर नीचे होना, मतलब कि एक बोलते हैं ना कि जैसे नेचुरल साइंस कहो या प्रकृति बोलो, ये दोनों का मिलाप, भरत मिलाप होता है, ऊपर नीचे होना ही तय। तो फार्मा सेक्टर जो है ना, कोरोना के बाद में बहुत ही निचले स्तर पे था, मतलब के सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा था, उसके अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं था। कोरोना के बाद में जब मैंने बोला कि सिमुलेशन थ्योरी के माध्यम से ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से कुछ चेंजिंग्स आते हैं, जिसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, बराबर, तो मार्केट जो है ना पूरा एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के हिसाब से टिका है। और दूसरा जो है इसके अंदर डिजिट की दुनिया के अंदर बोलो तो रेपो रेट, और यहाँ पर दूसरी चीज़ अगर बोलो तो जीडीपी ग्रोथ, जैसे बिजनेस के अंदर आपने 1 रुपया निवेश किया होगा तो 1 रुपये का मैनिपुलेशन आपने 3 रुपया 4 रुपये सोचा होगा, या 4 रुपये सो लिया हो, 4 रुपये का निवेश किया है आपने, तो समझ लो आपकी उम्मीद है कि वो 8 रुपये और 12 रुपया हो, मतलब कि यहाँ पर जितनी भी कंपनियाँ मान लो यहाँ पर नई नई आईपीओ लेकर आती है, तो सारी सारी कंपनियों का टारगेट एक ही होता है कि हम जिस लेवल पर मान लो निवेश करेंगे ना, तो उस निवेश को हम जहाँ तक जाता है वहां तक हमारे आयुष्य काल तक लेते जाएंगे। मतलब आज की तारीख में आप देख रहे हो कि बहुत सारी कंपनियां आ रही है, मैंने इसकी पीछे वीडियो बनाया वो आप देख लीजिएगा, वो कंपनियां ऊपर जाएगी नीचे आएगी सब कुछ करेगी, इसके टाइम फ्रेम के हिसाब से 2.5 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मार्केट में वो पॉलिसीज चलती रहती है। मान लो कि भाई ये मैंने सारा का सारा ग्राफिक्स पहले से बना के रखा था और 2 महीने पहले मैंने बना के रखा था, और मेरे ग्रुप के अंदर जो भी कुछ मैंने यहाँ पे बनाया वैसा ही यहाँ पर सिमुलेशन थ्योरी के हिसाब से और मार्केट के बैंक और इक्विटी के हिसाब से वो हाई दिए, मतलब 121.27 का हाई फाइनल था वो दिया। तो 132 का क्या है, और बोर्ड जोन है वो भी डबल टॉप का, तो वो भी क्या है सोमवार के अंदर खुलेगा ना जैसे, तो 132 का डबल टॉप भी देगा और वहां से होगा रिजेक्शन शुरू। 132 का डबल टॉप देने के बाद में 2 बार मुनाफा दिखाएगा, वापिस वहां से रिजेक्शन शुरू होगा, और वो रिजेक्शन आपका तकरीबन 1:30 बजे तक चलता रहेगा, मतलब 1:30 बजे का टाइम फ्रेम होता है वो फंडिंग रिकवरी का टाइम होता है, और 1:30 बजे के बाद में वापस से नया फंड डाला जाता है जिसको कहते हैं सेटलमेंट करना, मतलब कि ये लोअर को ले लो
और जब ओपनिंग हुआ था, जब इसका लॉन्चिंग हुआ था, वो लोअर गोल मतलब पास्ट को भी जाके रिट्रेसमेंट हर वीक के अंदर, हर दिन के अंदर रोज करते रहना, सीधा सीधा कभी नीचे गिरता नहीं है ना, कभी सीधा सीधा, जब तक उसका टारगेट है वो पूरा नहीं करता है रिपो रेट के हिसाब से, तब तक गिरता नहीं है। मतलब क्या आप देख रहे हो कि बीमारियां ऐसे ही टाइम पे आएगी जब पूरा नहीं है, बीमारियां खत्म हो गई और कुछ टाइम फ्रेम पूरा किया, मतलब कंटिन्यू बीमारी भी नहीं रह सकती मार्केट के अंदर। जैसे कंटिन्यू पतंग नहीं बेच सकते, वैसे आप कंटिन्यू पटाखे नहीं बेच सकते, आप कंटिन्यू होली की रंग नहीं बेच सकते, वैसे ही यहाँ पर आप कंटिन्यू बीमारी में रह नहीं सकते। मतलब कि कुछ दिन आते अच्छे आते, कुछ दिन आते बुरे आते हैं, बराबर। तो इसके साथ कमाना कैसे, वो मेन चीज है यहाँ पर। इसके कॉन्ट्रैक्ट मैंने ना 1.5 महीने पहले मैंने बता दिया था कि पिरामिल फार्मा जो भी है, 3% इन्वेस्ट है, सब कुछ लिखा रखा है मैंने पहले से, और यहाँ पर सब कुछ मैंने प्लान के हिसाब से बहुत पहले मैंने लिख चुका था। मतलब ये सब तैयारी बहुत पहले कर चुका था मैं यहाँ पे, इस ये जो लिखा है समझ लो कि यहाँ पे मैंने तैयारी की थी। 100 रुपये पर प्राइस है, तब मैंने की थी इसकी तैयारी, सब 100 रुपये पर चल रहा था, समझ लो कि 10 अक्टूबर को मैंने इसकी तैयारी की थी। मैंने बताया था कि भैया ये 18% का जो डाउन है यहाँ पर बाकी है, प्रमोटर आप लोगों से शेयर बिकवाड़ेगा और बिकवा के जाके ऊपर जाके बेच देंगे। तो इनका रेपो रेट कितना है, तो इनका रेपो रेट जो टारगेट होता है 147 का इनका डबल टॉप होता है। मतलब कि ये टारगेट आपका यहाँ तक आ गया, मान लो नहीं आना है ये, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बिकॉज के आप अगर कोई भी चीज़ का चार्ट अगर मेरा जाके देखोगे तो आपको वो टारगेट आपको उस टाइम पे देखने मिलेगा। तो होती है समय वाली बात होती है कि समय का जोन अगर आपको पता हो तो आप जीवन के अंदर जितनी चाहे उन्नति कर सकते हो, लेकिन समय का बांध ही पता नहीं है तो जितना कमाए उतना समय लेके चला जाएगा, ये प्रिंसिपल होता है। तो जैसे मैंने ये ग्राफ दिया था 61,840 का, और जहाँ पर 16 नवंबर को गया, मतलब कि 8 दिसंबर के तारीख को मेरा जो ये पीरामल फार्मा है, बता के यार बताता हूँ मैं आपको, मेरा जो पीरामल फार्मा है मतलब कि इन्वेस्ट कैसे करना, वो तरीका मैंने आपको इसके अंदर बताया है। पीरामल फार्मा स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो चीज़ बता रहा हूँ। पीरामल फार्मा का जो मैंने डेट बताया, 8 बोलो या 16 बोलो, ये डेट ही दी 148 को जाएगी। इसके बाद में 156 की उम्मीद ना रखिए, बिकॉज के यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तुरंत ही है। और उसके बाद में ये जो लोअर में दे रहा हूँ, 121 का लोअर दे रहा हूँ, यहाँ से भी बाइंग में नहीं रहना है, 118 से भी बाइंग में नहीं रहना है, कहीं से बाइंग में नहीं रहना है। 26 दिसंबर, 26 दिसंबर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, इसके पीसीआर सेटलमेंट के होते हैं, मतलब कि पीसीआर ऊपर गया यहाँ पे क्या होगा, 121 पे आएगा, 133 पे जाएगा, ये सपोर्ट रजिस्टेंस तो करता ही रहेगा, उसकी आदत है ना जो करता है, 133 पे नहीं लेकिन 121, 130 का बोलो या 129 का बोलो या 128, 127 का लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आता है 127 को बेच दिया आपने, अगर खड़े रहे तो आपको वापिस से लॉस, डबल बॉटम देने के लिए 112 पे जैसे आता है और 1:30 बजता है यहाँ पे, जैसे 26 तारीख बोलो या जो भी कोई तारीख बोलो, यहाँ पे मंथ एंड की तारीख बोलो, तो मंथ एंड की तारीख बोलो या जो भी कोई तारीख, यहाँ पे जब भी आएगा ना तो बाइंग में रहेगा मतलब। और 26 दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा जैसे किया, मतलब ये पूरा महीना हायर लोअर हायर दो दिया, मतलब 26 नवंबर का, 26 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट जो ऊपर भी लेके जाता है और 26 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट नीचे भी लेके आता है, मतलब कि पीसीआर सेटलमेंट करना, उस बीच के अंदर पीवोट रजिस्ट्रेशन करता रहता है, मतलब कि ये 129 का हाई देगा, इतना गिर गया तो बराबर। उसके बाद में अगला प्लान क्या, तो जो हाई यहाँ पे मिलने वाला है, समझ लो मैंने ये हाई लिखा है ना, 8-12 का हाई मैंने यहाँ पे लिखा है, और 8-12 का सपोर्ट मैंने यहाँ पे लिखा था, मतलब कि सपोर्ट को, तो ये सपोर्ट को तोड़ नहीं पाएगा 137 को, 1:10 को जब इसके ऊपर जाएगा तब, और इस सपोर्ट को तोड़े बिना ये क्या कर देगा, यहाँ पे आए, मतलब ये गोल राउंड बनने वाला है, ये गोल राउंड वी शेप यू शेप, इधर बोलते हैं ना भगवान श्री कृष्ण का टीका बोलते हैं, गोल चांद बोलते हैं, आधा चांद, वो यूँ बनेगा। मतलब के यहाँ पर मार्केट जो है ना, रेपो रेट के हिसाब से, उनके इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से बोलो, या जो भी कुछ आप कैलकुलेशन करते हो मैथमेटिक्स के हिसाब से, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बेस्ड होता है। 12,896 का यहाँ पे लेवल पूरा हो गया, और भी डबल बॉटम कर, डबल टॉप कर दिया, मतलब कि यहाँ पर आईवी जो होता है ना, उसका जो पावरफुल आईवी होता है यहाँ पे खत्म होता है, मतलब कि अब उसके ऊपर जाने की संभावना नहीं होती है। मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में आपने क्या किया, इसको पैटर्न बनानी पड़ती है, जैसे यू पैटर्न बनानी पड़ती है, और वो डब्ल्यू पैटर्न जैसे यहाँ पे बनती है, उसके बाद में बाइंग आती है। तो यहाँ पे आपका सेकंड बाई 122 पे है, और वो सेकंड 122 आपका जो टारगेट दिलाएगा आपको 158 का, सेकंड ये 157 का टारगेट आपको दिलाएगा, मतलब कि एक टॉप है और दूसरा टॉप है। दूसरे टॉप के बाद में जो है ना, वो वापिस से नया सपोर्ट लेता है, मतलब कौन सा सपोर्ट लेगा, सीधा 137 का तो पहले ले चुका था, इसके बाद में लेगा नया सपोर्ट 141 का और 139 के एसएल का, जैसे 1:10 को यहाँ पे ऐसे भी। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा फ्यूचर प्लानिंग का एरिया है कि जहाँ पर एसएल देने के लिए यहाँ पर आता है।
लेकिन कहाँ पे जाके कि भैया 157 हिट देने के बाद में, मतलब ये कुल 6 टाका बनाएगा, ऊपर जाएगा, उसके बाद में यहाँ से 157 के बाद में कहाँ जाएगा, ये 168 पे, और 172 का डबल टॉप है जहाँ पे प्रीमियम जाते हैं लेकिन चार्ट नहीं जाता। ध्यान रखना, प्रीमियम जाना और चार्ट नहीं जाना दोनों अलग अलग चीज़ है। 172 का यहाँ पर डबल टॉप पड़ा हुआ है, लेकिन जाएगा कहाँ तक आपका ये कैंडल कहाँ तक जाएगा, 168 तक। मेन चीज़ वही है कलाकारी इसके अंदर, मार्केट के अंदर, कि आप जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हो, आप जहाँ पे शॉर्ट पोजिशन लेते हो ऑप्शन प्रीमियम के अंदर, तो वो वहाँ से खुल के सीधा नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब कि आप देख लो कि ये जो होता है ना, इस तरह की इनकी एक्सपायरी प्रीमियम की होती है, मतलब 2.5 महीने का जो म्यूचुअल फंड SIP का जो टर्न ओवर होने वाला है, यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक टर्न ओवर करने वाली है, या भारत की सेंट्रल मिनिस्ट्री यहाँ पे ट्रेड करने वाली है, या कोई भी ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड करने वाला है, तो इस तरह से ट्रेड करने की उसकी उम्मीद रखेगा। बिकॉज के ये मेरा मैथमेटिक्स नहीं है, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मैथमेटिक्स है, जो खुद NSE, खुद हमें NSE में जाके सिखाती है। तो NSE का लिस्ट अगर जाके देखोगे तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको पता चल जाएगी। सही भाषा में अगर मान लो बात करूँ मैं आपको, अगर पॉजिटिव तरीके से, तो ये NSE ऑप्शन चेन होता है ना, तो NSE ऑप्शन चेन के अंदर डेल्टा थीटा गामा वेगा लिखा आता है। तो ये डेल्टा थीटा गामा वेगा सीखने का एक कोर्स होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनाता हूँ, और चार्ट पैटर्न जो होता है ना, मेरा सक्सेस ही जाता है। यहाँ पर 7 नवंबर पे आऊंगा, 7 दिसंबर पे सॉरी आऊंगा, तो 7 दिसंबर का मेरा जो रजिस्टेंस है उसका, तो मेरा रजिस्टेंस पीरामल फार्मा का ये निफ्टी चार्ट के अंदर जैसे 19,950 दिखाया, तो वैसे ही ये 7 दिसंबर का मेरा जो टारगेट है वही है। मतलब के बैंक निफ्टी 50 19,800 तोड़ेगा, 19,800 जोड़ेगा, बराबर। तो बैंक निफ्टी जोड़ के कहाँ जाएगा, तो बैंक निफ्टी जाएगा 19,856 पे, 19,958 पे, बराबर। तो ये वाला रजिस्टेंस इसका होता है, तो मतलब कि मेरा जो पीरामल फार्मा है, इसकी मैथमेटिक्स के हिसाब से 100 ना, मैंने जब आपको ये बोला ना कि यहाँ पे टारगेट इसका 148 का टारगेट है, समझ लो 147 का प्रॉफिट बुकिंग, और 152 का उसका ओवरबॉट रजिस्टेंस है, मतलब वहाँ से पटक के नीचे आना है। तो कहने का मतलब, आपको अगर मान लो फ्यूचर एक्सपायरी सीखनी हो ऑप्शन प्रीमियम के अंदर, जहाँ पे पहले मैंने मना करता हूँ कि जो भी नए लोग जो है ना, वो नए लोगों ने ऑप्शन प्रीमियम सीखना नहीं चाहिए। ऑप्शन प्रीमियम को अगर मैनिपुलेट करना हो, पहले मेरा नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो मेरा परिचय मैंने आपको पहले बहुत सारी वीडियो में दिया है कि भैया मेरा जो परिचय है ना, वो सेबी रजिस्टर नहीं हो, लेकिन सेबी रजिस्टर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है हमारा मार्केट के अंदर, भारत के अंदर, वो सारी की सारी मुझसे मर्ज होना चाहती है। बिकॉज कि यहाँ पे जो अपडेट दी जा रही है उन लोगों से, उस अपडेट से लोगों को मुनाफा हो रहा है, और उस अपडेट से लोगों की ब्रोकरेज जो होती है इसकी भी बढ़ रही है, और ब्रोकरेज के हिसाब से जो भारत का विकास हो रहा है वो भी अच्छा खासा हो रहा है। मतलब टोटली पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, नेगेटिव चीज़ सिर्फ इतनी हो रही है कि लोग है ना इसको सीख नहीं रहे। अगर मान लो किसी को नुकसान हो रहा है, और मान लो सीजनेबल बिजनेस करने नहीं आता है मार्केट के अंदर, और यहाँ पर मान लो इस तरह की मान लो कोई बकवास मान लो चीज़ें बोलकर लोग बोलते हैं, ये तो ऐसा चलता ही है, वैसा ही है। देखो, न्यूज़ किसी को मान लो आप बोलना, मतलब कि जो बुराई होती है उसको बोलना और बुराई का सामना करना, मतलब कि उसके सामने उसके इलाज करना, तो भैया ये जो मान लो बैन बैठे है यहाँ पर, जो बच्चा है इसके इसके मुंह पे मास्क लगा हुआ है, तो इनको अगर फंड की जरूरत है, तो मेरा कहने का मतलब एक है कि मैं जो भारत के अंदर एक निवेश का प्लान लेके आया हूँ, भारत की योजना के साथ मेरी भी एक योजना होती है, हर इंसान की एक योजना होती है, हर इंसान के सपने होते हैं कि इन लोगों का दुख दर्द कैसे कम करे, वही हमारा एक सपना होना चाहिए। एक इंसान जो होता है आम इंसान की जब तक मदद नहीं करेगा, मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि भैया आप लोग अमीर हो और गरीबों की मदद करो, देखो एक दुखी ही दूसरे दुखी को समझ सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब कि जिसने पूरी जिंदगी के अंदर इतनी तकलीफें देख ली है कि उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, मान लो मतलब कि पूरी दुनिया का परिभ्रमण कर लिया, और ब्रह्मांड उसके ज्ञान के अंदर ना ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया, इसके लिए मेरे जो चार्ट होते हैं ना हमेशा सक्सेस जाते हैं, मेरे ऑप्शन प्रीमियम भी हमेशा सक्सेस जाते हैं। यही वजह है कि जो शेयर मार्केट का जो रेपो रेट का पूरा साइकोलॉजी है, ये आम लोगों को पता नहीं है। मतलब ये बच्ची है ना, भविष्य में जब बड़ी होगी ना, तो ये मास का खर्चा किसने दिया है ना, ये इसे पता होना चाहिए, और ये जो पूरा खर्चा करके वो लोग कितना कमाए, कितनी सेवा की, ये भी इसको पता होना चाहिए। मतलब कि IAS IPS जो एग्जाम का जो IQ लेवल होता है, ये हर माँ को होना चाहिए। मतलब माँ की जो कोख होती है, जो माँ की कोख होती है, वो कोख के अंदर जब बच्चा 9 साल में 9 महीने जब रहता है, तो उस 9 महीने के अंदर माँ जो भी सोचती है उसकी पूरी इफेक्ट जो है ना बच्चों को होती है। इसलिए मैं कहता हूँ
कि गर्भ संस्कार की अगर बात करूं तो गर्भ संस्कार एक ही है कि भैया हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, मतलब हम सेविंग कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लारी चला रहे हैं, कॉर्पेंडर चला रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, या व्यापार कर रहे हैं, या कोई बैंक में नौकरी कर रहे हैं, या फिर स्विगी जोमेटो जैसी जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम कुछ भी काम करते हो, अगर मान लो हमारे पास आज की तारीख में फंड नहीं है और सरकार ने जो सारी सुविधा बनाई, तो उस सुविधा का पूरा रिटर्न जो है ना वो स्टॉक मार्केट से इस तरह मैनिपुलेशन करके लेंगे। ये लोग यहाँ से निवेश किए समझो मेरे, कि भैया इन्होंने ना समझ लो कि भैया ये जो बिजनेस की शुरुआत की थी एक सोच से की थी कि भाई पिरामिल फार्मा एंटरप्राइज है, तो पिरामिल फार्मा नाम की कंपनी बने जहाँ पर दवाइयों का उत्पादन किया जाए, जहाँ पर जो कंपनियां बनती है, जो दवाइयां बनती है, तो दवाइयों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो WHO जैसी कंपनियां देती है, बड़ी बड़ी वर्ल्ड बैंक जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां रिसर्च करती है वो देती है, जैसे साइंस पे रिसर्च कहते हैं, उसके बाद में ये दवाइयां जो मार्केट में जाती है मतलब पब्लिक का आम जनता के पास जाती है, मतलब कि आप देखो कितना बड़ा एम्पायर यहाँ पे चल रहा है कि 61 रुपये का स्टॉक जिसने निवेश किया होगा 28 मार्च 2023 के अंदर, सिर्फ पकड़ के ही रखना था, मतलब कि 3 गुना 6 3 18 का मतलब होता है कि 6 3 18 का मतलब कि 163 का जाना, मतलब आप सोचो कि खाली 1 साल के अंदर रिटर्न देखो कितना, 3 गुना रिटर्न, और ये 3 गुने रिटर्न के अंदर लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 3 लाख 3 बिलियन 3 मिलियन डॉलर 3 मिलियन लोगों ने डीमेट ओपन किए, लेकिन डीमेट ओपन के पकड़ने के बाद में लोगों ने अपनी डीमेट बंद भी कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत विकास कर रहा है, भारत के अंदर हर इंसान को एक दूसरे की जरूरत है, यहाँ पर हर कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी की भी जरूरत है, और भारत जो है ना पूरी गठबंधन की सरकार लेके, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर सारे के सारे एक हो गए, मतलब कांग्रेस और भाजपा जो है ये भी एक ही है समझ लो भैया, कहने का मतलब कि जो भी कुछ चल रहा है यहाँ पे तो वो सारी की चीजें आपके हित के लिए बन रही है, लेकिन आपको उसके साथ एजुकेशन लेना पड़ेगा, ये एजुकेशन कोर्स जो है 9919309758, मेरा जो कोर्स का पार्ट है उसके बारे में पहले बता देता हूँ कि मेरा जो कोर्स है ना वो टाइम वैल्यू के बारे में है, इंसेंट्रिक वैल्यू के बारे में, और रेपो रेट की वैल्यू के बारे में है, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में, जहाँ पर मैं NSE के ऑप्शन चेट पे जाके डेटा को देख देख दिखा देता हूँ कि भैया ये 171 का हाई है, मतलब इसका लोअर जो है 132 का लोअर है, और 82 का लोअर और 65 का भी लोअर है, मतलब कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो यहाँ पे लिखी है डेली बेस पर, तो ये हायर लोअर देख के ना पुट में खड़े लोगों को भी प्रीमियम खाते हैं, और कॉल में खड़े लोगों को भी प्रीमियम खा के इस एक्सपायरी के सारे प्रीमियम को फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है 7 दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ना पूरे के पूरे प्रीमियम को खा जाएगा, मतलब कि इस पैसों से ही आपके मुंह पे मास्क आएगा, आपकी प्रगति होगी, जो भी कुछ आपकी दवाई का खर्चा होगा, सरकारी अस्पताल बनेंगे, जो भी कुछ बनेगा, ये पूरा यही इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो पूरा प्रोग्राम बना हुआ है यहाँ पे मार्केट के अंदर, यहीं से पूरा खर्च निकल के आता है, मतलब देश एक की तरफ सेवा तो कर रही है, ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन देश एक तरफ सिखा भी रही है आपको हमारे जैसे लोगों से मिलाकर, आज देख लो कितने सारे लोग जो है ट्रेनिंग कोर्स चला रहे हैं, लेकिन इस तरह का ट्रेनिंग कोर्स जो मैंने तय किया है कि भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, रेपो रेट, दूसरी चीज इंडेक्स को तब बाय करो जब इसका मौका है, मैंने बहुत पहले से तैयारी की थी, अब तो लोग मुनाफे में है और मुनाफा लेंगे, और हम लोग मुनाफे भी निकल जाएंगे, जहाँ पे म्यूचुअल फंड ऐसे भी निकलते हैं वहां भी निकल जाएंगे, भैया स्टॉक मार्केट जो है ना बोलते ना कि सिर का एक अगला भाग अगर मान लो करोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन मान लो स्टॉक मार्केट को आपने बहुत बड़ा ऐसे बना दिया भैया ये तो बहुत नुकसान वाला केंद्र है ना ये है वो, कुछ ना कुछ आपके कमिटमेंट ऐसे मन के अंदर आ गई, जैसा आप सोचोगे वैसा पाओगे, जैसे आपने चीजें बोई है वैसे ही परिणाम आपके जीवन में उपलब्ध हो गए, मतलब अंडरलाइन एसेट्स तो दोनों की होती है ना, जैसे भी किसी ऋषि ने निवेश किया हो तो उसे उसे पैसों की रिकवरी चाहिए, तो रिजेक्शन तो आएगा, तो वो पैसे दोबारा तब एंट्री लेगा जब जाके उसका पुराना पैसा जो है सूद समेत वो निकालेगा, तो भैया यहाँ पे टाइम वैल्यू तो है ना, तो टाइम वैल्यू को समझो, इंसेंट्रिक वैल्यू को समझो, आउट द मनी की जो प्रीमियम होती है, जो सस्ती प्रीमियम लेकर लोग बैठ जाते हैं, जो प्रीमियम कभी आते ही नहीं है, वो प्रीमियम 2 एक्सपायरी खत्म कर देते हैं, लेकिन वो प्रीमियम ही नहीं आता, तो समझ लो ऐसी मान लो आपके पास कोई गलत अपडेट आती है और कुछ अलग अलग तरीके से सीखना हो मार्केट को, जैसे यहाँ पर 80 से लेकर डबल टॉप की डेट भी मैंने आपको दी कि ये डेट तक मार्केट में इसके टारगेट जो है यहाँ तक कि अगर मान लो SL लगानी है तो आपको SL 112 के बाद में जो 1:30 बजे बाइंग आने वाली है यहाँ पे इस डेट को, वो 1:30 बजे बाइंग के बाद में 3:30 बजे वापिस मान लो सेलिंग भी सेलिंग सेलिंग का लोअर दे के उसके बाद में मार्केट तेजी करेगा और इसके नीचे आता है, तो आपको एक ऐसे लगा कि आपको ऊपर का जितना मुनाफा किया उसका 10% ट्रेड आपने यहाँ पर किया था, ऊपर जितना मुनाफा लिया ना उसका 10% ट्रेड, मतलब लालच नहीं करनी है, यहाँ पर मैंने पहले ही वीडियो में बोला कि 20/80 का प्रिंसिपल आपको काम में आएगा, वह था मुद्दे की बात पर जो बात है मेरे ग्रुप की,
मेरे ग्रुप के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट निकाला है कि जिस कॉन्सेप्ट पर अगर मान लो अमल करोगे तो आपकी जीवन के अंदर तरन्नति जो ना है वो एक बीज बुने का शुरू करेगी। मैं ये नहीं बोलता, आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करता कि भैया अमीर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि मैं यहाँ पर जो मेरी एक लिंक होती है वो भेजता हूँ, बराबर, जिसको कहते हैं कि डीमैट ओपन लिंक। अब इस डीमैट ओपन लिंक के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट भी लिस्ट भी भेजता हूँ। पर्टिकुलर तरह एक प्रॉपर इन्वेस्टर की तरह डीमेट ओपन करना पहले आपका कर्तव्य होता है। वो कैसे कि भैया आपको आपकी नॉमिनी का नाम डालना है, नॉमिनी का आईडी देना है, बिकॉज कि आपका कल अगर कुछ हो जाता है ये तो आपकी जो लड़की है, लड़का है, आपकी वाइफ है, तो उनको फोन जाएगा और आपको अपडेट दी जाएगी भी आपका डीमेट जो है ना हमने यहाँ पे ओपन किया था, तो इतना पैसा जो है ना आपका बनता है, मतलब कि आप अपने डीमेट का प्रोसेस पूरा करो और नॉमिनी में से मेन शेयर स्टॉक होल्डर में आ जाओ। मतलब कि ये पूरी प्रोसेस डीमेट प्रोसेस होती है। यहाँ पर मैं जब क्लिक करूंगा तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको प्रोवाइड करने, और एक सिंपल सा जो पहला चेक होता है जिसको कहते हैं ट्रेडिंग। देखो टोकन के बिना मान लो बहुत सारी कंपनियां जो फ्री इन्वेस्टमेंट दे रही है, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जीरो जीरो डीमेट ओपन कर दिया और बाद में क्या किया, शुरू किया सेविंग शुरू किया, तो वहां पे हिडन चार्जेस होते हैं या हिडन परसेंटेज होते हैं तो वो किसी को बताते नहीं है, समझ लो वो बताने वाली चीज ही नहीं होती, क्योंकि इंसान का दिमाग ही मान लो फ्री वाला हो गया तो उसे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे वो चीजों को छोड़कर मैं एक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ छोटा मोटा चेक लिखा है उस चेक के अंदर मैं मेरा जो मार्जिन मनी है वो डालने वाला हूँ, मतलब आपको मेरी तरफ से एक स्टॉक ऐसा दिया जाएगा जिसके अंदर तेजी अच्छी खासी आने वाली होगी, जो मेरा रिसर्च किया होगा, मेरी टीम का रिसर्च किया होगा, मैं NSE BSE लिस्टेड सब कंपनियों के साथ काम करता हूँ, मतलब कि भैया लिस्टेड कंपनी के साथ भी काम करना और ब्रोकर के साथ भी काम करना, मतलब भारत की एक नई दिशा दिखाना। तो क्यों नहीं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ कि 30 रुपये वाला बाइंग स्टॉक है जो इसका 1.5 साल 2 साल का भविष्य इतना है, तो इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों नहीं हमारे भारत क्या नक्की करके आया है कि हम लोग बीमारी में, गुलामी में, या फिर हमारा जो दवाई का खर्चा है इसमें हमारी जीवन चला जाएगा, या मान लो तकलीफ में ही हमारा जीवन चला जाएगा, या हमारे जीवन में हमारे सपने पूरे ही नहीं होंगे। ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना हमारे मन के अंदर चुभती है कि बच्चों का एजुकेशन कैसे करेंगे, इतना खर्चा है कहाँ से लाएंगे। कभी कभी बच्चों के हम छोटे मोटे सपने तोड़ देते हैं, इसकी वजह यही होती है कि भैया हमारा जो प्लान था पास्ट में जो कमजोर था, अब जो है आने वाली जनरेशन को ये सिखाना है कि बेटा जो है ना ये विजय सर की वीडियो देख ले, जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा। मान लो आज की माँ और आज के पिताजी ही मान लो अपने बच्चों को, जैसे हमारे एक सर है इमरान सर है, तो इमरान सर ने उनकी लड़की को है ना ट्रेनिंग देना शुरू कर दी आज से ही समझ लो, और उस लड़की को मेरा जो वीडियो दिखाया तो लड़की ने एक ही वर्ड बोला कि पावरफुल वीडियो है, पावरफुल कंटेंट है, और पावरफुल वर्ड्स के साथ पावरफुल मैच्योरिटी के साथ बोले गए कंटेंट है, मतलब, और 100% एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं मार्केट में कि जहां पर वो बोलते हैं वही मार्केट जाता है, कहने का मतलब। देखो मुनाफा लेना वो अलग चीज है, समझना एक अलग चीज है, क्योंकि समझने लगा इंसान तो क्या लॉस कम होता है उसको, प्रॉफिट चाहे मिनिमम हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन लॉस जरूर कम होता है। इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो आपने कर दिया, आप मान लो हमारे साथ जुड़ गए, तो इतना बता दूं कि मेरे टीम के साथ आप लोगों को मान लो मार्जिन मनी जो होता है वो 20D का प्रिंसिपल होता है, वो तो वो पूरा का पूरा फंडामेंटल जो कोर्स होता है ना वो आपको धीरे 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 करके टुकड़ों में सिखाया जाएगा। ऐसी भी सारी अपडेट तो मैंने पहले से दे दी है स्टॉक मार्केट की, कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, करना है क्या, IPO किस तरह से IPO आता है, IPO की साइकोलॉजी क्या होती है, मर्ज की क्या होती है, इतनी अपडेट दी है कि आप मान लो मेरे 3 साल का इतिहास भी अगर ढूंढने जाओगे ना आपको एक ही चीज मिलेगी, प्लस प्लस प्लस। एक ही स्टॉक मेरी जीवन में ऐसा निकला जिसको कहता हूं मैं वकरान जी, ये वकरान जी का मैंने 38 का बाय बोला था जो गया 18 पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्लान जो है 2018 का प्रिंसिपल जो वकरान जी को 54 तक वापिस खसड़ कर लेके आएगा। एक ही वीडियो मेरा गलत साबित हुआ पूरे मेरे आयुष्य काल के अंदर, एक ही वीडियो मेरा वकरान जी, और मैं कबूल करता हूँ क्योंकि 100 में से मान लो 1% गलत पड़ता है तो 100% आप झूठ नहीं बोल सकते, बिकॉज कि वहां पर आपने बाकी स्टॉक के अंदर कमाया कि 20 वाला 50 पर गया, वहां पर एक ऐसा स्टॉक था जेंसर टेक जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था रडबू बनाने का, जिसे बोलते हैं ना आकाश के अंदर देखने वाला वाहन बोलते हैं उसको, सब जगह जाके कैमरे सेट करता है, दिखता है कि इधर क्या हो रहा है, वहां पर कौन सी प्रवृत्ति हो रही है, वो जो चीज बनाई उन लोगों ने तो उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो उसकी प्राइस जो थी 228 पर चला गया सीधा 650 पे, 3 महीना का कॉन्ट्रैक्ट ऊपर का कर दिया। तो आप सोचो द्रोणा जैसी चीज बनाने के अंदर भी इंसान का 150 200 रुपये का स्टॉक अगर मान लो 500 600 चला जाता है जेंसर टेक कंपनी का, तो आप सोचो कि वो मैंने वीडियो बहुत पहले बनाई थी, तो आपने अगर मान लो वहां से शुक्र शुरू किया होता और अभी मान लो आप शुक्र शुरू कर रहे हो, सफर शुरू कर रहे हो, तो इतना बता दूं कि उन्नति जो है ना कभी रुकने वाली चीज नहीं है, वो आपको मिलती रहेगी। मतलब करना कुछ नहीं, हमारा नंबर है इस नंबर पे, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ अपडेट बताई जाएगी कि किस तरह से 1.25 घंटे का मैनिपुलेट करते हैं आपका प्रीमियम घुस जाता है, टोटली एक छोटा मोटा कोर्स होता है,
अगर मान लो कि आप डिमेट में आप आ गए, मेरे डिमेट में अगर आप आ गए तो मेरा ग्रुप जो है वो आपको हमेशा हेल्प करेगा, आपको बताता रहेगा कि भैया यहाँ पर इस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग होती है और इस टाइम पे बाइंग होती है। मतलब सेविंग भी करने की कला होती है ना, वो जबरदस्त कला होती है। सेविंग करो लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, उसमें से कोई अनटेक्सिट नहीं होती। लेकिन मान लो कि वो सीखना है आपको, तो कितने टाइम पे हाई दिया, कितने टाइम पे और लोअर दिया और कितने टाइम पे और हायर दिया, ये लिखना डायरी में बहुत ही जरूरी है। जब तक पूरा भारत बढ़ेगा नहीं ना, तब तक भारत बढ़ेगा नहीं। अब जो जमाना पूरा चेंज हो गया भारत का, समझ लो भारत में एक चीज जरूर निकली है कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भारत जो पूरी उन्नति कर रहा है। और भारत जो है वो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब 2050 तक के, 2032 तक के, 2027 तक के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्वार्टर में बैठ गए। मतलब कि भाई ये स्ट्राइक जो है ना यहाँ पर, जिसको आज भी देख रहे हो यहाँ पर, ये यहाँ पर देख रहे हो ना 126 को, 126 वाला प्रीमियम आपको बताओ, 4 साल, मतलब 40% की तेजी, 40 से 400% की तेजी, मतलब कहाँ पे जाएगा पता है आपको, सीधा 750। ये जो 177.55 लिखा है ना नीचे, 117.55 लिखा है ना, ये सब ये 55 यानी 557 का हाई है। मतलब कि स्टॉक के अंदर निवेश करने का अच्छा खासा मौका है आपको। वापिस ही इस महीने के अंदर डबल बॉटम पे आने वाला है, एक मौका आपको और मिलेगा एवरेज करने का। उसके बाद में आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, कोई दिक्कत नहीं। अगला सपोर्ट जो है आपको 158 का आपको मिल जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तेजी करेगा, जब 181 पे जाएगा तब की बात है, 190 जाएगा तब की बात है, 190 जाए जाने तो दे पहले, क्योंकि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है 190 के इसके और 205 के। तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने कितने टाइम से लिख के रखे, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ पहले से रखा है, और ये सीधा ऊपर नहीं जाता है, ये टेढ़ा मेढ़ा होके ऊपर जाता है। मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना पूरे 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब पीरामल फार्मा जैसी कंपनी अब नीचे नहीं आने वाली, फार्मा सेक्टर नीचे नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना का खत्म हुआ बहुत टाइम हो गया, और यहाँ पे नई नई बीमारियां जो आ रही है ये आपका इलाज करने वाली है। मतलब कि अभी इन लोगों पर भी आपको थोड़ी बहुत नजर रखनी पड़ेगी, और आपको इनको भी कुछ बोलते हैं ना कि जैसे सिखाना समझाना, बच्चों को तालीम देना जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आपको सिखाने के लिए करना कुछ नहीं। ऐसे जो महिला होती है, ऐसी जो बहनें होती है, इन लोगों को सिर्फ मेरी वीडियो आप शेयर कर दो कि देखो भैया ये जो पहले हो गया वो वापिस नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे देश के लोगों को, हमारे बच्चों को जो सीख रहे हैं उनको, उनको है ना इस एजुकेशन की बहुत ही नीड है। अगर मान लो स्टॉक मार्केट का एजुकेशन नहीं लिया, तो इस स्टॉक मार्केट का एजुकेशन नहीं लिया तो उसमें गलती सिर्फ हमारी, हमें देश के अर्थतंत्र की गलती निकालने की जरूरत नहीं है। बिकॉज कि हमने मान लो गलती और टिप्पणी निकालना शुरू कर दिया ना, तो हम मान लो इतना कहते हैं कि हम अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं, खुद को पीछे लेके जा रहे हैं, क्योंकि किसी की गलतियां निकालना मतलब कि उन्नति के मार्ग में अवरोधक बनना। मतलब हम उन्नति के मार्ग में कभी अवरोध नहीं बनेंगे, हम भारत को एक स्वतंत्र भारत बनाने की कोशिश करेंगे, रोग से मुक्त भारत बनाने की कोशिश करेंगे, और कर्ज थोड़ा कम हो जाए हर पब्लिक पर उसकी भी कोशिश करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर मान लो समझ गए, तो डीमैट अकाउंट की प्रोसेस जो है, जो उसकी लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, सारी की सारी प्रोसेस मैंने मेरे ग्रुप के अंदर लिखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखी है, एंजल भी है, अपस्टॉक भी है, सारे के सारे एसोसिएट पार्टनर है मेरे, समझ लो कि दिन के अंदर जो भी कुछ व्यूवर्स मेरे आते हैं तो आपकी बदौलत आते हैं, आप शेयर करते हो तभी जाके आते हैं, बाकी मेरे में इतना पावर नहीं कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा पाऊँ। वो आप ही हो जो आपका पावर है, वो आपका पावर मेरी चैनल को आगे लेके जाएगा। मतलब आपके अंदर उतना पावर जरूर होगा कि आप इसको शेयर करोगे तो भैया और कोई शेयर करे, मतलब पावर वाला इंसान शेयर करता है। बाकी तो खाया पिया भूल गया, वो तो सारी चीज़ें मार्केट में चलती रहती है दिन के अंदर। हम आते हैं क्या, हमारे जीवन का मकसद क्या है, ये अगर मान लो समझ गए ना, प्रकृति में यहाँ पे क्यों भेजा हमने, या लोग हमने किसी ने क्यों बनाया, ये मान लो अगर समझ गया मान लो, तो हमारा जीवन जो है ना यहाँ पर ही सफल हो रहा है। और कमा कर मान लो रोजगार हमारा चला रहे, और शाम को आकर मान लो सो जा रहे और सोच रहे कि कल का ईएमआई भरने का पैसे कहाँ से लाओ, तो समझ लो हमारे जीवन की उन्नति की बीज तक हमने नहीं बोई है। तो दोनों चीजों में बहुत अंतर है। यहाँ पर जिसने जितना कमाया उतना उसका चला गया, लेकिन जो ज्यादा कमाने का निवेश कर रहा है वो थोड़ा बहुत जाने दे रहा है, लेकिन वो भी तो प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है ना, तो उनकी तरह सोचे ना। तो कहने का मतलब आशा करता हूँ अब जो कॉन्सेप्ट है एक ही है, डीमैट ओपन हमारे साथ करे, 20 डी का प्रिंसिपल तय करे, और धीरज रख के बोलते हैं ना कि आध्यात्मिक गति की तरह से आप आपके जीवन में उन्नति करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।